नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस। भारत बंद के दौरान भड़की हिंसा के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बीजेपी नेता गिरिराज जाटव को किया गिरफ्तार, जाटव पर था 10,000 का इनाम। दलालों पर नकेल कसने रेलवे ने उठाए सख्त कदम, तत्काल टिकट के लिए एक लॉगिन से मिलेगी एक टिकट, एक दिन में दो टिकट ही निकाली जा सकेंगी। राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, हाईकोर्ट ने 87 जजों के किए तबादले, सलमान खान को सजा सुनाने वाले जज को मिला प्रमोशन। कुत्ते बिल्ली वाले बयान पर घिरे अमित शाह, विपक्षी दलों ने साधा निशाना, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा अमित शाह की टिप्पणियां शर्मनाक। और कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी में 2-2 गोल से बराबरी पर छूटे भारत और पाकिस्तान, आखिरी 5 सेकंड में जश्न मनाने के इरादे पर फेरा पानी। और अब खबरें विस्तार से। भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश में भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भिंड में हिंसा भड़काने के आरोपी बीजेपी नेता गिरिराज जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरिराज हिंसा के बाद से फरार चल रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने उनके बारे में सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। और अब दलालों के हस्तक्षेप को रोकने और आम लोगों की परेशानी को खत्म करने की दिशा में रेलवे ने एक अहम कदम उठाया है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने में दलालों पर नकेल कसने के इरादे से रेलवे ने कई बड़े बदलाव किए हैं। तत्काल श्रेणी में अब एक आईडी से लॉगिन करने पर सिर्फ एक ही टिकट की बुकिंग होगी, दूसरे टिकट के लिए फिर से लॉगिन करना होगा। वहीं एक लॉगिन से एक दिन में दो टिकट ही निकाले जा सकेंगे और महीने में 6 टिकट से अधिक की बुकिंग नहीं होगी। इसके अलावा एडवांस रिजर्वेशन का ओपनिंग टिकट भी अब 2 से ज्यादा बार बुक नहीं किया जा सकेगा। एक यूजर एक बार में 2 विंडो से अपनी आईडी को भी ऑपरेट नहीं कर सकेगा। और इधर राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था में बड़े फेरबदल की खबर आई है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के 87 जजों का तबादला कर दिया है। इन जजों में सलमान खान की बेल की सुनवाई करने वाले और सजा सुनाने वाले जज भी शामिल हैं। एक साथ जजों के तबादले को लेकर सलमान खान की बेल होने पर वाली सुनवाई जो है वो उस पर संशय बना है। काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी पाए गए सलमान खान के लिए 5 साल की सजा पाने के बाद मुश्किलें बढ़ी हैं, तो वहीं जेल की सजा देने वाले जज का प्रमोशन हुआ है। विष्णु समाज के वकील के मुताबिक राजस्थान में जजों का ट्रांसफर होना एक रूटीन तबादला है, क्योंकि ज्यादातर जजों के ट्रांसफर अप्रैल के महीने में ही होते हैं। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने विपक्षी दलों की तुलना सांप कुत्ते बिल्ली से करने पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की निंदा की है कि वो राजनीतिक चर्चा को एक नए निचले स्तर पर ले गए हैं। भाकपा और तृणमूल कांग्रेस ने भी शाह के बयान पर निशाना साधा है। कोई भी सत्तारूढ़ राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं करता है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का कहना है कि अमित शाह की टिप्पणियां शर्मनाक हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत और परंपरागत प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के बीच हॉकी का मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहा। इस मैच का हॉकी प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से शुरू हुआ ये मैच अंतिम समय तक रोमांचक बना रहा। इस मैच के आखिरी पलों तक भारत 2-1 की बढ़त लिए हुए था, लेकिन अंतिम क्षणों में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर पाकिस्तान ने बराबरी का गोल दागकर भारतीय टीम के जश्न मनाने के इरादों पर पानी फेर दिया। इंडिया फर्स्ट के बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.indiafirst.online पर। नमस्कार।